अगर सो गए तो कभी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। जागते रहना, जागना ही तुम्हारी जिंदगी है और सोना मौत। एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ था, और वो कत्ल मैंने करवाया था। हाय बुआ जी। अरे राज, तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम अकेले आ गए, चांदनी कहाँ है? उसे बैंगलोर में उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी, प्रिया। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर मुझे साइड ट्रैक कर दिया। लेकिन वो आ कब रही है? एक दो दिन में आ जाएगी। अच्छा बुआ जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए। तुम अपने कमरे में जाओ, 5 मिनट में नाश्ता हाजिर। ओ बुआ जी, आई लव यू। डैडी जी वो आ गए। अच्छा, लेकिन चांदनी नहीं आई, वो बैंगलोर में अपनी किसी सहेली के यहाँ ठहरी है। चांदनी नहीं आई, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, लगता है कि भगवान भी तेरे साथ है। बेटी यही मौका है तेरे पास राज के दिल में अपना घर करने का, और उस मनहूस चांदनी को राज के दिल से उखाड़ फेंकने का। बेटी कुछ भी कर, कुछ भी, खिदमत से, प्यार से, तू राज का दिल जीत ले, राज के दिल में अपना घर बना ले बेटी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है डैडी जी। सरस्वती, क्या तुम राज को बता दोगी कि वीर प्रताप ही चांदनी के मां बाप का कातिल है? उसने चांदनी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, मैं वीर प्रताप से नफरत करने वाला एक और आदमी नहीं खड़ा कर सकती। मैं राज को कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। अरे बुआ जी, आप क्यों कर रही हैं? लाइए मुझे दीजिए। जो कुछ बनाना था वो मैं बना चुकी हूँ, तू जा यहाँ से। और ये क्या, ये साड़ी, ये सिंदूर, ये क्या नाटक है सीमा? क्यों बुआ जी, आपके यहाँ तो ऐसा ही होता है ना, पति के घर आने पर पत्नी ऐसे ही बनाव श्रृंगार करती है ना। कैसा पति, कैसी पत्नी? मैं पत्नी और राज मेरे पति। जबान को लगाम दे लड़की, बेशर्मी की भी हद होती है सीमा। लेकिन बुआ जी, इसमें बेशर्मी की बात कहाँ से आई? अगर मैं अपने पति को पति नहीं कहूंगी तो और क्या? सीमा, झूठी बातों से झूठे रिश्ते ही पनपते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं बनते, समझे? अच्छा ठीक है, नहीं। राज शायद मुझे अपनी पत्नी मान ले, लेकिन ये मुझे कभी अपनी बहू नहीं मानेंगे। हाँ, मजा आ गया, बड़ी भूख लगी थी बुआ जी। ए बुआ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं बेटा, कहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नाश्ता कैसा लगा? नाश्ता तो अच्छा था, लेकिन इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ तो ठीक है बेटा, देखो खामखा तुम कोई भी शक अपने दिल में मत डालो। हाँ बुआ जी, ये सीमा गई है? यही है बेटा। समझ गया, तो सीमा ये है जिसने इस घर को बर्बाद करके रखा हुआ है, आपका सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। नहीं बेटा, सीमा मेरा सुख चैन कैसे छीन सकती है? ना वो हमारे लेने में है, ना देने में, वो इस घर में है भी नहीं, ये मुझे पता। राज, राज, तुम आके, राज, तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कैसा था? सीमा, तुम गई नहीं यहां से अब तक। लेकिन कहां? चांदनी ने तुम्हें ये घर छोड़कर जाने के लिए कहा था ना? राज, ये घर छोड़कर मैं कहां जाऊंगी? शादी के बाद तो पत्नी का घर वो होता है,
जहां उसका पति उसे लगता है। तो तुम्हें इस घर में किसने रखा है, बोलो। अब छोड़ो राज। छोड़ो क्यों, बताओ तुम्हें इस घर में किसने रखा है। बुआ जी आप तो बड़ी हैं, आपको हमारे बीच पैचअप कराना चाहिए। लेकिन आप, लेकिन क्या क्या करूं मैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती इस घर में घुसा। नौकर की बहन थी तो थोड़ी इज्जत क्या देती, सर पे ही चढ़ गई। कितनी बार कहा तुम्हें कि ये घर छोड़कर चली जा, लेकिन तुम इस बात के लिए राजी नहीं। इसने तो इस घर की शांति बर्बाद करके रखी। देखो सीमा, यहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और जहां इज्जत ना हो उस जगह को छोड़कर जाने में ही अकलमंदी है। यू अंडरस्टैंड दैट? तुमसे किसने कह दिया राज किस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है? और फिर बुआ जी जो भी कह रही है वो दिल से थोड़ी ना कह रही है, चाहो तो पूछ लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे कपड़ों को इस्त्री कर देती हूँ। सीमा, सीमा आना यार, रुपए दे दूंगा तुम्हारे मैं। अरे तुम्हारे रुपए खा के मरूंगा नहीं मैं, कह दिया ना एक बार मैंने तुम्हें। अरे तुम मेरा बहनों ही करोड़पति है, मैं थोड़ा ही हूं। अपने बहनों ही की गर्दन काट के मैं तुम्हें रुपए दूं? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? क्या तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? जान से मारने की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? देखो जमान संभाल के बात करो, ये धमकी ममकी मत दो मुझे। हाँ, अरे मुंबई में हर आदमी के पहचान के दो चार भाई होते हैं। हाँ समझ लो तुम। पैसे दो, पैसे दो। दे दूंगा ना पैसे मैं। अबे कौन है बे, क्या डेविड भाई? हाँ हाँ डेविड भाई दे दूंगा ना। हाँ भाई पूरे पैसे दे दूंगा, यही बस दो चार दो हफ्ते में। हाँ दो हफ्ते में। नहीं नहीं डेविड भाई, वादा खिलाफी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा भाई, अच्छा भाई। चार आने की मुर्गी, बारह आने का मसाला, लिए थे 25,000 और हो गए 2,00,000। बुरे भग गए बेटा रंगनाथन। लगता है कि हेलो हेलो बहना कैसी है? हाँ क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है तू। समझ गया, तेरी परेशानी का कारण है तेरा पति राज सचदेवा। मैं अभी उसके बाप से बात करूं, चला मेरे साथ। नहीं भैया, डैडी जी वैसे भी बहुत परेशान हैं, और मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगी। क्या कर लेगी तू, तू क्या कर लेगी? देख बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अरे उन लोगों की परेशानी को गोली मार, हमारी परेशानी यह है कि उनकी वजह से हम परेशान। और ये कहां का दुख है कि दूसरा कोई परेशान ना हो इसलिए हम परेशानी मोल ले लें। नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। देख मेरी बात सुन, जितना सचदेवा परेशान होगा उतना ही तेरा काम आसान हो जाएगा, तुझे तेरा हक जल्दी मिलेगा। चला मेरे साथ। भैया प्लीज। सीमा, लगता ये तो बिल्कुल सचदेवा पर गई है। अगर ये नहीं मानी तो डेविड भाई तो मेरी खाली भूखा भर देंगे। अरे सीमा क्या हो गया तुझे, तू अपने हक के लिए खामोश क्यों है? भैया अगर आपको रुपए वगैरह चाहिए ना तो बता दीजिए, बात को घुमा फिरा कर ड्रामा मत कीजिए, मुझे वैसे भी आज बहुत काम है। अरे अरे तू क्या समझती है मुझे, क्या समझती है मुझे तू? मैं जब भी तेरे पास आता हूँ रुपये पैसों के लिए आता हूँ, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ रुपयों का रिश्ता है, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, मैंने तो आज तक ये रिश्ता नहीं देखा। हाँ बोलेगी, अब तू भी बोलेगी, सारी दुनिया बोलती है कि हमेशा मैंने तुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, अब
तू भी बोल ले, बोल ले, तू भी बोल ले। हे भगवान, ये सब सुनने के लिए तूने मुझे जिंदा क्यों रखा है? मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है? भैया आप शांत होकर बैठेंगे, राज वैसे भी बहुत दिनों के बाद बैंगलोर से आया है और अब वो ऑफिस जा रहा है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे वो ऑफिस जा रहा है ना तो ऑफिस गाड़ी में जाएगा, उसकी फ्लाइट नहीं मिस हो रही है। अरे मेरी बात सुनना। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो सकता है कि एक दो दिन के बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। वेरी गुड राज, चांदनी कब आ रही है? एक दो दिन में आ जाएगी। देखिए ना डैड, चांदनी के घर में ना होने से सारे घर का निजाम उलट पलट हो गया है। वहां बुआ जी परेशान है, यहां आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं बेटे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं। जब चांदनी इस घर में नहीं थी मैं तब भी कंफर्टेबल था और अभी हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चांदनी इस घर की बहू है, आपका कितना ख्याल रखती है वो। ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हैं। नहीं बेटे मैं दिल से कह रहा हूं, तेरी कसम बेटे, जब जब चांदनी इस घर में नहीं होती ना तब तब मैं बहुत सुखी रहता हूं। बड़े अफसोस की बात है डैड कि अब तक आप चांदनी को माफ नहीं कर पाए। उसका मंगली होना उसके लिए अजाबे जान बन गया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। खैर अगर आप यही चाहते हैं तो आपकी खुशी के लिए। हाँ बेटी हाँ, तू चांदनी को छोड़ दे, तू उसे तलाक दे दे। डैड मैं चांदनी को तलाक नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं उसे तलाक। ये हो सकता है कि मैं आपकी खुशी के लिए चांदनी को इस घर में ना लाऊं, चांदनी कहीं और रहे, ये जरूर हो सकता है। राज, ये लो। थैंक यू बुआ। राज बेटा तुम वही करना जो तुम्हें मुनासिब लगता है। वीर प्रताप को अगर चांदनी का इस घर में रहना पसंद नहीं तो उसे दूसरा घर लेकर दे दे, लेकिन बेटा उससे पहले चांदनी से बात कर लेना, ये भी देखना कि वो क्या चाहती है। राज, राज, बुआ जी वो चले गए। वो तो चला गया, अब तू भी जा यहां से। समझी जी एक बात बताइए मुझे, आखिर कब तक मेरी बहन के साथ इस घर में नाइंसाफी होगी? आखिर कब तक उसका हक अदा किए बगैर आप उसे अपने घर में रखेंगे? रंगनाथन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। अरे समझी जी सब्र करते करते उसकी कब्र उड़ जाएगी। आज आपको मुझे एक बात का आश्वासन देना ही पड़ेगा कि आप अपने लाडले बेटे से आज ही ये बात करेंगे कि जो हक वो चांदनी को दे रहा है वो हक मेरी बहन सीमा को भी दे। अगर वो एक रात चांदनी के साथ गुजारता है तो एक रात मेरी बहन सीमा के साथ भी गुजारे। अगर वो 5 लाख रुपए चांदनी के बैंक अकाउंट में रखता है तो 5 लाख रुपए मेरी बहन सीमा के बैंक अकाउंट में भी रखे। भाई रंगनाथ समझने की कोशिश करो, ये सारी बातें मैं राज से नहीं कर सकता, मैं डीजी से कह दूंगा, वो राज को समझा देंगे। हाँ और डियर बुआ जी राज को समझा चुकी। अरे वो तो चांदनी से भी बड़ी दुश्मन है मेरी बहन की। देखिए समझी, अगर आप राज से बात नहीं कर सकते हैं तो मैं बात करूंगा। रंगनाथन मेरी बात सुनो। अरे नहीं मुझे सुननी आपकी बातें, बहुत सुन चुका मैं। यही सोच सोच कर मैं आज तक खामोश रहा कि आज नहीं तो कल ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन ये मामला तो बहुत बड़ा मसला बन चुका है और अब जो सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से। भैया मेरी बहन बैठ बैठ। देख सीमा अगर तुमने अपने हक के लिए अभी कमर नहीं कसी ना तो ये
जिंदगी भर तू इस घर की दासी बनकर रह जाएगी। दासी बहू नहीं बन पाएगी। तो चल मेरे साथ। भैया प्लीज आप मेरे मामले में दखल मत दीजिए। मुझे जैसा करना होगा मैं वैसा करूंगा। कर लो बात। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा है बेटा रंगनाथन। अच्छा करने जाते हो बुरे बन जाते हो। दुनिया का क्या, अपनी खुद की बहन अपने भाई के खिलाफ बोलती है। अरे तेरा घर बस जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, खुशी ना है? और आप सुन लीजिए सजदे बसा, मेरी बहन तो बच्ची है, मूर्ख। मैं आपको बोल देता हूं, अगर मेरी बहन का फैसला जल्द से जल्द नहीं हुआ तो मैं कुछ कर बैठूंगा। कुछ देर पहले मैंने राज से बात की है, बहुत जल्दी वो चांदनी को इस घर से दफा कर देगा। अच्छा, आपके बोलने पर वो उसे घर से दफा कर देगा? वो कुछ भी करेगा लेकिन चांदनी को दोबारा इस घर में कभी नहीं लाएगा। मेरी बात का यकीन करो। अरे समधी जी, वो बेटा आपका है लेकिन समझा उसे मैंने है, मैंने। वो चांदनी का गुलाम है, गुलाम। चांदनी उसे जैसा कहती है वैसा ही वो करता है। चांदनी उसका हुक्म नहीं मानती है, वो चांदनी का हुक्म मानता है। अब मुझे बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो भी फैसला करना है आपको करना है, क्योंकि आप इसे इस घर में लाए हैं, राज नहीं लाया है, समझ गए आप? चलता हूं। अरे जीजाजी, जीजाजी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जीजाजी, आज मैं सुबह समधी जी से मिला था, सीमा बहन को लेकर काफी बातें हुई। बेट, मुझे ना तो सीमा में इंटरेस्ट है और ना ही तेरी फालतू बातों में। चांदनी सीमा को पहले ही वॉर्न कर चुकी है कि ये मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, और आज मैं भी तेरे ही सामने इससे कहता हूँ कि अगर ये मेरी जिंदगी में रोड़ा बनने की कोशिश करेगी तो मेरा अंजाम तो बुरा होगा ही, लेकिन मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाप मेरी बहन को बहू मानता है और बेटा अपनी पत्नी का बुरा अंजाम सोचता है। लुक मिस्टर राजपूत, अगर मेरी बहन के साथ तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम कोर्ट में। सपोर्ट तुझे ठीक करने का एक और नुस्खा है मेरे पास। जागते रहना, अगर सो गए तो कभी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। जागते रहना, जागना ही तुम्हारी जिंदगी है और सोना मौत। गाना जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। चिल्ला क्यों रहे हैं संदीप जी आप, हां? रात के 12 बजे भी कोई सोता है? खैर बताइए, क्या कहा आपके बेटे ने? मैंने तुमसे कहा ना कि चांदनी किसी भी हालत में इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक काम और कर लिया है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग जीजा जी। क्या कर रही हैं? क्या बात है, सुबह सुबह अपनी ये मनु शक्ल लेकर क्यों आया यहाँ? वो मैंने सोचा सुबह सुबह आपको एक खुशखबरी दे दूं। आपने आज का पेपर तो नहीं पढ़ा होगा। आपके पिताजी ने आपके नाम एक नोटिस छपवाया है। कैसा नोटिस? आप खुद पढ़िए। राज सचदेवा को यह इत्तला दी जाती है कि अगर उसने अपने बाप के हुक्म का पालन नहीं किया तो उसे वीर प्रताप की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए।